Hey guys, this is your movie boy K4 Kartavya. Welcome to our channel. और दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो हम डेडिकेट करते हैं हमारे व्यूअर मोबिन खान भाई को, क्योंकि उन्होंने ही हमसे कहा था कि हम सुल्तान अहमद जी के करियर एनालाइज पर भी एक वीडियो बनाएं। तो मोबिन खान भाई, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम पॉपुलर फिल्म मेकर सुल्तान अहमद जी के कैरियर को एनालाइज करेंगे और उनके फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, क्योंकि सिनेमा से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हम आप सभी के लिए लाते ही रहते हैं। दोस्तों एक इंडिविजुअल डायरेक्टर बनने से पहले सुल्तान अहमद लेजेंडरी फिल्म मेकर और मूवी मुगल कहे जाने वाले के आसिफ साहब के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, और सुल्तान अहमद ने के आसिफ साहब को उनकी फिल्मों मुगले आजम, लव एंड गॉड और सस्ता खून महंगा पानी जैसी फिल्मों में असिस्ट किया था। सुल्तान अहमद को डकैतों या डाकुओं के ऊपर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है, और उन्होंने हीरा, गंगा की सौगंध, धर्म कांटा और दाता जैसे डकैत की लाइफ पर बेस्ड शानदार फिल्में बनाई हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सुल्तान अहमद साहब की फिल्मों और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में। वैसे तो उनकी पहली फिल्म 1973 में आई थी, लेकिन वह फिल्म प्यार का रिश्ता थी या हीरा थी यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने पता किया मगर इनका एग्जैक्ट रिलीज डेट नहीं मिल पाया। तो फिर भी चले हम मान के चलते हैं कि प्यार का रिश्ता उनकी पहली फिल्म थी। तो प्यार का रिश्ता 1973 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में बलराज साहनी, विनोद खन्ना, मुमताज, शत्रुघ्न सिन्हा, निरूपा राय और नादिरा जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 25 से 30 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 45 लाख का नेट कलेक्शन किया था, और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई हीरा। इस फिल्म में सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, आशा पारेख, फरीदा जलाल, मुरारी और नासिर हुसैन जैसे एक्टर्स नजर आए थे, और तकरीबन 35 से 40 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 1,75,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई थी। इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई गंगा की सौगंध, जो 10 फरवरी 1978 को रिलीज हुई, और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा, अमजद खान, बिंदु, इफ्तिखार, जगदीप, प्राण और जीवन जैसे एक्टर्स नजर आए थे, और तकरीबन 1,45,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 2,30,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अबव एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद सुल्तान अहमद जी की अगली फिल्म आई धर्मकांटा, जो 13 अगस्त 1982 को रिलीज हुई, और इस फिल्म में राजकुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र, वहीदा रहमान, रीना रॉय, अमजद खान, ओम प्रकाश और सुलक्षणा पंडित जैसे एक्टर्स नजर आए थे, और तकरीबन 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 3 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद सुल्तान अहमद जी की अगली फिल्म आई दाता, जो 23 जून 1989 को रिलीज हुई, और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, सोमा आनंद, अनिल धवन, सईद जाफरी, पल्लवी जोशी और कमल कपूर जैसे एक्टर्स नजर आए थे, और तकरीबन 1,90,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 2,85,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, और यह फिल्म बड़े शहरों में एवरेज साबित हुई थी, और छोटे शहरों खासकर नॉर्थ इंडिया में यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इसके बाद सुल्तान अहमद जी की अगली फिल्म आई जय विक्रांता, जो 24 मार्च 1995 को रिलीज हुई, और इस फिल्म में संजय दत्त, जेबा बख्तियार, सबीना, मुकेश खन्ना, अमरीश पुरी और सुरेश ओबेरॉय जैसे एक्टर्स नजर आए थे, और तकरीबन 3,50,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 4,81,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी। यह सुल्तान अहमद जी की डायरेक्ट की हुई आखिरी फिल्म है। आपको उनकी फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी उनकी फिल्म आपकी फेवरेट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, क्योंकि सिनेमा से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हम आप सभी के लिए लाते ही रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।